तुम्हारी वजह से मुझे आपा के सामने अपनी बेटी के लिए फारिस के रिश्ते की भीख मांगनी पड़ी। मेरी वजह से? उना, तुमने घर से भागकर अपने माथे पर बदनामी का धब्बा लगा दिया है मोमना, और उसी धब्बे की सिहाई कल को मेरी बच्ची के मुस्तकबिल को तारीख कर देगी। अगर तुम घर से नहीं भागती तो ये सब कुछ जो मुकद्दस के साथ हो रहा है, बार बार तुम्हारी गलती की वजह से जो ये रिश्ते ठुकराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो इतनी रिजेक्टेड नहीं फील करती। देखो, समझने की कोशिश करो, अगर हम मुकद्दस की शादी खानदान से बाहर करते हैं तो तुम्हारी गलती का खुफियाजा उस बेचारी को भुगतना पड़ेगा। देखो मोमना, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद जाहिर सी बात है, सब मुकद्दस से शादी करने के लिए हिचकिचाते हैं, और सिर्फ इसलिए मैंने आपा से मुकद्दस के लिए, फारिस के रिश्ते के लिए बात की। मेरी सच्चाई जानने के बाद अकेली भागी थी मैं? भगाया तो आपने था ना, आपने कहा था कोर्ट मैरिज करते, तो फिर अब ये सारा कसूर मेरा कैसे हो गया? क्योंकि तुम एक औरत हो, और तुम जानती हो हमारे माशरे में औरत की किसी भी गलती को माफ नहीं की जाती, और वही गलती हमारे बच्चों के सामने आ रही है। माशरे का सहारा लेके आप अपनी भी सारी गलतियां मेरी चोली में डाल देंगे? मुन्ना, देखो इस बारे में मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। कसूर मेरा था या तुम्हारा, उन बातों का क्या फायदा? मैं फैसला कर चुका हूं, मुकद्दस की शादी अब फारिस से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।